किया जाए। माननीय सभापति महोदय, उनका तरीका है ये, उनका तरीका है, मैं उस इलाके से आता हूँ, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से आता हूँ, दबाने का तरीका है ये, इस तरह दबाया जाता है हम लोगों को। आज तक उन लोगों ने यही किया है, उधर भी जितने विधायक जाते हैं उन सबको दबाया जाता है, इसी तरह दबाया जाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका शरण चाहता हूँ, इस तरह जो दबाया जाता है, मुझे जो बोलने से रोका जा रहा है, मुझे जो डिस्टर्ब किया जा रहा है, माननीय सभापति महोदय, ये जो मैं आपकी चरण चाहता हूँ, हमें जो बोल रहे हैं उसमें डिस्टर्ब नहीं किया जाए। माननीय सभापति महोदय, ये जो हमारे डूंगरपुर जिले में भोगीलाल पंड्या महाविद्यालय है और एक वीर कालीबाई कन्या महाविद्यालय है, उस महाविद्यालय में जो स्वीकृत पद है, उस स्वीकृत पद के अनुरूप भी वहाँ पर व्याख्याता नहीं लगे हुए हैं। लेकिन एक दुख की बात है, भले उधर की सरकार रही हो या इधर की सरकार रही हो, वहाँ पर जो व्याख्याता लगता है और कुछ ही समय बाद वहाँ पर से अपने गृह जिलों में किसी न किसी की पहुँच बना के यहाँ पर आ जाता है। आपको मैं बता दूँ, पिछली बार भी विधानसभा में ये मांग उठी थी और माननीय मंत्री महोदय ने उन जो कार्य व्यवस्था के लिए जितने आदेश हुए थे उन सभी आदेशों को निरस्त करवाया था। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि 23 जुलाई 2020 को पत्र क्रमांक A/2011-2020-584 के तहत 9 ऐसे व्याख्याता थे जो वीर कन्या कालीबाई महाविद्यालय और भोगीलाल पंड्या महाविद्यालय में लगे थे और वो लोग दूसरी जगह कार्य व्यवस्था के लिए लगाए गए थे। वो आदेश निरस्त किया 20 जुलाई 2020 को। लेकिन कुछ ही समय बाद हमारे यहाँ के लोगों ने मंत्री जी पे प्रेशर बनाया, कई ऐसे जो बड़े जनप्रतिनिधि थे उन्होंने प्रेशर बना के वो आदेश वापस यथावत लगाए गए। ये कौन सा नियम है कि जो व्याख्याता उस कॉलेज में लग रहा है और लगने के बाद वहाँ पर ज्वाइनिंग दे रहा है, ज्वाइनिंग देने के बाद एक महीने तक भी सेवा नहीं दे रहा है और उसको कार्य व्यवस्था के हिसाब से यहाँ लगाया जा रहा है। जो स्वीकृत पद है वहाँ पर 10% पद भी भरे हुए नहीं है और जो वहाँ पर भरे हुए हैं उनमें से भी कार्य व्यवस्था के लिए दूसरी जगह लगाया जा रहा है। वहाँ लंबे समय से उस इलाके में अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र के बाहर के अध्यापक लगे हुए हैं, थर्ड ग्रेड अध्यापक। हम चाहते हैं, पहले तो वहाँ कहीं न कहीं कमी थी तो हमें आवश्यकता थी, लेकिन आज हमारा बच्चा पढ़ा लिखा है और कहीं न कहीं सबने बीएड बीएससी कर रखी है और इतनी भारी संख्या में जो भी आगे बढ़ रहे हैं। तो माननीय सभापति महोदय, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हम उच्च शिक्षा में तो उस इलाके से जो व्याख्याता लगे हैं उनको यहाँ पर कार्य व्यवस्था के लिए लगा रहे हैं और दूसरी तरफ हम थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर के लिए सेकंड ग्रेड में जो उधर लगे हुए हैं उन लोगों के ये कह रहे हैं कि अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत वहाँ पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए अध्यापकों की कमी है, इसलिए हम उन लोगों को इस इलाके में नहीं ला रहे हैं। मतलब ये दो तरफा नीति किस बात की हो रही है? हम व्याख्याताओं को तो इधर लगा रहे हैं कार्य व्यवस्था के लिए और वहाँ पर दूसरे जो थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड के जो लगे हुए वहाँ पर उनकी आवश्यकता नहीं। अगर वो पद खाली होंगे तो हमारे जो आने वाले बच्चे लगेंगे। तो ये दो तरफा जो नीति की जा रही है उसको कहीं ना कहीं ध्यान में लाया जाए और आपके माध्यम से मंत्री जी जब जवाब देंगे तो मैं चाहूँगा कि भोगीलाल पंड्या महाविद्यालय और वीर कन्या कालीबाई महाविद्यालय से जितने लोग कार्य व्यवस्था हेतु बाहर लगे हुए उनको निरस्त किया जाए और आदिवासी एरिया के जो बच्चे हैं उनको राहत प्रदान की जाए। माननीय सभापति महोदय, अभी मैंने जो एक बताया था कि बीपीए कोर्स कर रखा है लड़कों ने, लेकिन उनको पीटीआई भर्ती में शामिल नहीं किया जाता है। इसी तरह एक जो मामला चल रहा है कि चित्तौड़ जिले में मेवाड़ विश्वविद्यालय चल रहा है और मेवाड़ विश्वविद्यालय के अंतर्गत लंबे समय 2018 से एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा कोर्स करवाया जा रहा है। 2018 से वहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा कोर्स करवाया जा रहा है। अभी तक लड़के थर्ड ईयर में आ चुके हैं, वो कोर्स वहाँ पर करवा रहे हैं। अभी वर्तमान में इस कोर्स के लिए 175 लड़कों ने अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन उस यूनिवर्सिटी ने संबंधित विभाग से उसकी कोई मान्यता प्राप्त नहीं की है। तो ये भी आने वाले समय में ये जो बीपीए कोर्स वाले भटक रहे हैं लड़के, इसी तरह ये लड़के भी भटकेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं चाहूँगा कि इस पर जाँच कराई जाए और इन छात्रों को राहत प्रदान की जाए।
माननीय सभापति महोदय, हमारे सबका एक भुगतान होता है, पेमेंट होता है। हम भी विधायक बने, हमारे महीने की 1 तारीख से 5 तारीख की बिन में पेमेंट आ जाता है। और इस राज्य में, इस देश में जितने कार्मिक जो कार्यरत हैं, उन सभी का महीने में 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में पेमेंट आ जाता है। तो हमारे जो बच्चे हैं, उनकी जो छात्रवृत्तियां है, वो छात्रवृत्तियां आज तक समय पे नहीं आई है। कौन सा तरीका है? मैं चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर जो बच्चे कॉलेज कर रहे हैं, उनकी छात्रवृत्ति प्रत्येक महीने की आनी चाहिए, वो भी प्रत्येक महीने की 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में। माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में इस देश में और राज्य में भले किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन प्राइवेट कॉलेजों का एक इतना चल रहा है धंधा, हम हमारे इलाके में देखते हैं कि एक पेंचर की दुकान हो, इतना एक दरवाजा है और उस दरवाजे के बाहर लिखा हुआ है कि संबंधित या फलाना फलाना महाविद्यालय। मतलब एक कमरे के अंदर एक प्राइवेट महाविद्यालय चल रहा है, तो अब समझ में नहीं आता है कि ये महाविद्यालय एक कमरे के अंदर कैसे चल रहा है। और मैंने अभी आंकड़ा निकलवाया, उस महाविद्यालय के अंदर 200 से 300 छात्र अध्ययन रहते हैं, तो वहाँ पढ़ते कहाँ हैं, बैठते कहाँ हैं, उनके लिए ग्राउंड क्या है? तो ऐसी एक नीति होनी चाहिए कि जितने ऐसे प्राइवेट महाविद्यालय जो लोग एक या दो कमरों में चला रहे हैं, ऐसे सारे प्राइवेट महाविद्यालय बंद होने चाहिए। अभी कोरोना काल में तो ये महाविद्यालय वाले, जो प्राइवेट महाविद्यालय वाले हैं, उन लोगों ने तो अति कर दी, बच्चों के एडमिशन लिए, उनसे फीस ली, अध्ययन नहीं कराया और उल्टा उन लोगों से फीस तो वसूल ली, लेकिन वहाँ पर जो सरकार के आदेश थे कि जो अध्ययन करा रहे हैं, जो कार्मिक सुविधा पे लगे हुए हैं या प्राइवेट जो लगे हुए हैं, उनको भुगतान किया जाएगा। लेकिन डूंगरपुर जिले के अंदर जितने प्राइवेट महाविद्यालय चल रहे हैं, कोरोना काल के अंतर्गत जो अध्ययन करवाने वाले अध्यापक थे, उनको पेमेंट नहीं किया गया है। तो ऐसे जो अनियमितता बरतने वाले महाविद्यालय के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, अभी जो चल रहा है कि हम छात्रों को उच्च शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, मैं आपको बता दूं, डूंगरपुर जिले में एकमात्र एक सरकारी आवासीय विद्यालय है, सरकारी एक छात्रावास है, तो लंबे समय से बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन आज तक उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। जो गवर्नमेंट का कॉलेज छात्रावास है, उसके आसपास अतिक्रमण किया जा रहा है और वो भवन पड़ा हुआ है, सरकार ने पैसा लगाया है, उसका निर्माण किया है, वो बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन आज तक इसका उपयोग नहीं किया गया है, अभी भी खंडर पड़ा हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि जो एक कॉलेज छात्रावास बना हुआ है, उसको शुरू करवाया जाए। माननीय सभापति महोदय, ये जो हमारा एरिया विस्तार हुआ, अभी अनुसूचित क्षेत्र 1981 में अधिसूचित हुआ था, और अभी ये हमारा दोबारा ये जो 19/5/2018 को नवीन एरिया विस्तार हुआ, उस एरिया विस्तार में जब हुआ, अधिसूचना जो जारी हुई, कार्मिक विभाग का जो आदेश था, उसमें स्पष्ट था कि इस इलाके के अंतर्गत पहले की जो भर्तियां हैं, उन सभी भर्तियों में जो पुराना इलाका है, उन्हीं बच्चों को लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई अधिकारियों ने मिलीभगत करके जो नवीन एरिया विस्तार हुआ, उससे पहले की भर्ती थी, उन भर्तियों में नए एरिया के बच्चों को भी ले लिया गया है। तो माननीय सभापति महोदय, या तो वो उस क्षेत्र के अनुपात में पद बढ़ाया जाए, या फिर जितने जो नए एरिया के बच्चे लगे, उन लड़कों को उसके अनुपात में हमारे पद बढ़ाने की कृपा करें। माननीय सभापति महोदय, अभी बजट घोषणा में खेल विभाग के लिए घोषणा हुई कि प्रत्येक ब्लॉक पे ध्यानचंद स्टेडियम खोला जाएगा। ये माननीय मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे सभी समस्त विधायकों की भावना थी और इस राजस्थान के सभी युवाओं की भावना थी, सभी को था कि हमारे खेल मंत्री युवा हैं और युवाओं के लिए कुछ न कुछ करेंगे, और उन्होंने इस बजट में राजस्थान के युवाओं को सौगात दी, उनके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन मैं सुझाव देना चाहूँगा कि उन्होंने प्रत्येक ब्लॉक पे ध्यानचंद स्टेडियम खोला है,
खोलने की जो घोषणा की है, और उसमें कहा गया है कि संबंधित एरिया के विधायक या सांसद या डीएमएफटी या सीएसआर फंड से पैसा लेंगे उतना हम विभाग से देंगे। तो मैं कुछ इसमें संशोधन चाहूंगा कि जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र के अंदर जो स्टेडियम खोले जाएंगे उसके अंदर टीएडी विभाग से भी कन्वर्जन करवाया जाए, क्योंकि आदिवासियों के उद्धार के लिए हमारे केंद्र सरकार से भी पैसा आता है और राज्य सरकार भी अलग से पैसा देती है। तो हम चाहेंगे अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत जितने जो खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे उसमें टीएडी से भी कुछ पैसा दिया जाए। अन्य सभापति महोदय, सबकी मांग थी, हमारे तीरंदाजी के क्षेत्र में राजस्थान ने नाम रोशन किया है और उस राजस्थान के अंदर भी बांसवाड़ा और डूंगरपुर से जो हमारे लिंबाराम जी और हमारे एक स्वर्गीय ननोमा जी, उन्होंने नाम रोशन किया है पूरे देश का। माननीय सभापति महोदय, देखो आज तक उन लोगों ने यही किया है, ऐसे ही डराया गया है उन लोगों, हमारे लोगों को, और ऐसे ही दबाया गया है। माननीय सभापति महोदय, पूरे उदयपुर संभाग में एक समय था कि उनकी शाखाओं के द्वारा पूरे युवाओं को रास्ता भटका दिया गया था, पूरे युवाओं को कॉलेज के अंदर सिर बंधारे लगवाए जाते थे और एबीपी का पाठ पढ़ाया जाता था और शाखा में पढ़ाया जाता था। माननीय सभापति महोदय, यही सिस्टम चलाया जाता था, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि उनकी जो छोटी विचारधारा थी, उनका जो ये एजेंडा था फर्जी, वो सारा एजेंडा फेल हो चुका है और आज पूरे उदयपुर संभाग में उनका सफाया हो चुका है। माननीय सभापति महोदय, मैं चाहूंगा एक उदयपुर संभाग में एक ट्राइबल एकेडमी का भी टाइम दे रखा है आपको, तो आज ट्राइबल एकेडमी खोली जाए। मतलब हमारे जो ट्राइबल्स के जो गेम होते हैं, जैसे कि कबड्डी है, खो खो है, और ये तीरंदाजी है, और ये हॉकी है, तो हम ये चाहेंगे माननीय मंत्री महोदय से कि डूंगरपुर जिले में आर्चरी का तो खोला है, उसके साथ एक ट्राइबल एकेडमी खोली जाए, जिससे हमारे इलाके के अंदर के जो लड़के हैं, आज जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं भटक रही है, एक खेल ऐसा माध्यम है कि वो युवाओं को जोड़ता है और जोड़ के सही दिशा में ले जाता है। खेल के माध्यम से युवाओं में एक शारीरिक ताकत आती है और उनके शारीरिक विकास भी होता है और साथ ही उनका बुद्धि का विकास भी होता है। एक युवा पीढ़ी या एक जो छात्र है, बच्चे हैं, और शिक्षा के बीच में समन्वय बनाने का काम करता है खेल विभाग। तो मैं चाहूँगा कि हमारे ट्राइबल्स के जितने बच्चे हैं, इन बच्चे को सही दिशा देने के लिए डूंगरपुर जिले में ट्राइबल एकेडमी खोली जाए। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा में पहले से 2 आईटीआई कॉलेज चल रही है और एक आईटीआई कॉलेज का भवन अभी वर्तमान में संचालित हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय हैं तो मैं चाहूँगा कि भवन तो बन गया है लेकिन उनके अंदर क्लासें नहीं लग रही है, तो कहीं ना कहीं एक क्लासें लगाई जाए। माननीय सभापति महोदय, ये लोग बात करते हैं शिक्षा की, मैं आपको ऐसी बात बताऊँगा कि उन्होंने पिछली बार कई स्कूलें बंद की। आपको एक ऐसी बात बताऊंगा उसको सुन के अजीब लगेगा कि हम शिक्षा की देवी मानते हैं कालीबाई कलासुआ। एक कालीबाई वो बच्ची थी, उन्होंने अपने गुरु की जान बचाने के लिए अंग्रेजी शासन काल में अपनी जान की परवाह नहीं की और उन लोगों ने उस कालीबाई पे गोलियां चलाई और उस कालीबाई के नाम से उनके जन्म स्थान का जो गांव है रास्तापाल, उस रास्तापाल में एकमात्र प्राथमिक विद्यालय था। मुझे दुख होता है कि उस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री भी एक महिला थी और हमारे इलाके से एक मंत्री जी आते थे और उनकी ही विधानसभा में आज वो मेरे विधानसभा क्षेत्र है। उन लोगों ने वो ध्यान नहीं दिया, वो शिक्षा की देवी कहला जाने वाली, हम उसको पूछते हैं और उसकी स्कूल बंद कर दी गई। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा कि वो कालीबाई कलासुआ के नाम से जो स्कूल चल रही थी उन लोगों ने बंद कर दी गई, तो आज आप उसको स्कूल को वापस शुरू कराई जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं ये चाहता हूँ, हम बात करते हैं कला और साहित्य संस्कृति की, तो हमारे इलाके में जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, राजस्थान का जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, हमने आदिवासियों के उद्धार के लिए एक विभाग अलग बनाया, टीएडी विभाग, और हम ये चाहते हैं
किसी टीएडी विभाग के अंतर्गत जो माँ बढ़िया चल रही है और जो इस इलाके में आंगनवाड़ी चल रही है, हम ये चाहते हैं कि हम आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की जो संस्कृति है, जो भाषा है, जो कला है, जो रीति रिवाज है, उसका संरक्षण किया जाए और बच्चों का इसका अध्ययन किया जाए। तो ये जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमारे इलाके की जो संस्कृति, जो रीति रिवाज है, जो परंपरा है, उन सभी को बिली भाषा के अध्ययन, बिली भाषा में उसका संरक्षण किया जाए और बिली भाषा के माध्यम से पांचवी तक के छात्रों को बिली भाषा में अध्ययन कराया जाए। और आदिवासी इलाके के अंतर्गत जितने जो महापुरुष थे, आदिवासी इलाके में जितने जो भगत हुए हैं, जितने जो जन जागरण का काम किया है लोगों ने, सेंगा भाई हैं, नाना भाई हैं, काली भाई हैं, हमारे गोविंद गुरु जो हुए हैं, हमारे जो संत सुरमाल जो हुआ करते थे, उन्होंने पूरे समाज को जन जागरण कराया था। ऐसे लोगों की जीवनी, ऐसे लोगों का इतिहास हमारे इलाके में पढ़ाया जाए। माननीय सभापति महोदय, हम बच्चों को चाहते हैं कि बच्चा पढ़े, बच्चे के सामने हम ऐसे आदर्श वचन देते हैं। बच्चों, माननीय सभापति महोदय, हमारे स्कूलों में प्रार्थना होती है, हम प्रार्थना में सरस्वती की मूर्ति रखते हैं और हम ये सभी बच्चों को ये ज्ञान दिलाना चाहते हैं कि इनके माध्यम से हमें ज्ञान लेना है, ये ज्ञान की देवी है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि हमारे जो वीर कन्या कालीबाई कलासुआ जो शिक्षा के लिए शहीद हुई थी, उस वीर कालीबाई कलासुआ को प्रत्येक स्कूल में एक मूर्ति लगाई जाए और जो सुबह प्रार्थना होती है उस प्रार्थना में भी वीर कालीबाई कलासुआ की मूर्ति वहाँ पर इसकी तस्वीर लगाई जाए और उससे आने वाली पीढ़ी इसे कहीं न कहीं कुछ सीखेगी और हमारे जो बालिका है उस बालिकाओं को कहीं न कहीं उच्च शिक्षा हो उसमें बढ़ावा मिलेगा। अन्य सभापति महोदय, आज जो इतना बड़ा जो हंगामा हो रहा है, राजस्थान की जनता ने यहाँ सभी को चुन के भेजा है, लेकिन आज इन लोगों ने ये अखाड़ा बनाया गया है। अगर वास्तविक हम शिक्षा की बात करते, आज इतना महत्वपूर्ण बिंदु था, हम चाहते हैं कि हमारे देश को, हमारे राज्य को आगे बढ़ाया जाए और वो शिक्षा ही ऐसा माध्यम है, उसके माध्यम से ही हमारे राज्य और हमारे देश का उद्धार हो सकता है, लेकिन आज उन लोगों ने इतना बखड़ा खड़ा कर दिया और इस जो विषय है उस विषय को, इस विषय पे जो सदस्य बोल रहे हैं उनको भी रोकने का काम किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से विशेष निवेदन करूँगा कि हमारे चिकली में जो कॉलेज खोली है, उस कॉलेज के अंदर